जय श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देव्यै नमः। जय माँ। तो दोस्तों ये था सरल रूप से जो है आरती, यानी कि आप अगर जो है अपने घर पे माँ सरस्वती की मान लीजिए आप धूप सेवा कर रहे हैं, आप भोग सेवा आदि कर रहे हैं, तो उसमें आप सरल रूप से आरती अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है धूप दीप गंध पुष्प और उसके साथ मोर पंखी आफर चामर और प्रणिपात, इस पांच प्रकार से जो है मतलब इस पांच उपचार से जो है आपको आरती करना चाहिए। प्रणिपात भी जो है ना वो आरती का एक उपचार होता है। बहुत सारे लोग प्रणिपात ठीक से नहीं करते हैं, पर हमेशा जो है श्री श्री भगवती शारदा सरस्वती देवी या फिर जय माँ सरस्वती बोलते हुए भी जो है आपको जयकारा देते हुए प्रणिपात करना चाहिए और साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए हमेशा आरती के बाद। ये आरती का एक अंग होता है दोस्तों। आप प्रणिपात करते हैं तभी जो है आपका आरती जो है वो संपूर्ण होता है। तो सरल रूप से आप पूजा के मान लीजिए आप दश उपचार के बाद जो है आप संक्षिप्त आरती कर रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। आप जो है पूजा संपूर्ण होने के बाद ये कर सकते हैं। आप जो है दोपहर में जब माँ को भोग अर्पण कर रहे हैं तो उस समय ये आरती करते हैं। संध्या आरती के समय भी आप ये आरती कर सकते हैं। आप धूप सेवा कर रहे हैं माँ की चार समय जो है मतलब मंगल मुहूर्त में, पूर्वाह्न में, मध्याह्न में और जो है संध्या के समय सायंकाल काल में जो है आप जो है माँ की धूप सेवा कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये सहज सरल आरती के माध्यम से आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जलपूर्ण शंख आदि से जो है आरती नहीं दिखाया क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों के पास खासकर जो है मुझे कई लोग जो नॉर्थ से होते हैं मतलब उत्तर भारत से जो है कई लोग मुझे कहते हैं कि उनके पास जलपूर्ण शंख नहीं होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ कई बार जो है वो कर नहीं पाते हैं तो इस कारण से। और उनके वहाँ पर शायद मिलता भी मतलब नॉर्थ में ना ये मैंने देखा है कि बजाने वाले शंख तो वैसे मिल जाते हैं दोस्तों, पर जो जलपूर्ण जो शंख होते हैं वो कई समय मिलता नहीं है थोड़ा, तो इस वजह से मतलब थोड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता है वो चीज़ें। आपको स्पेसिफिक किसी जगह पर जाना होगा तभी वो वाली चीज़ें मिलते हैं, पर हाँ बजाने वाले शंख मिल जाते हैं। ऑनलाइन में भी बजाने वाले शंख जो है वो आसानी से मिल जाता है, तो इस कारण से जो है कई लोग मुझे कहते हैं। मैंने पहले भी जो है आपको सहज सरल आरती में इसलिए जो है धूप दीप पुष्प और चामर या पंखे आदि, मोर पंखे तो मिल ही जाएंगे आपको, चामर आदि जो है वो भी आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि मोर पंखे के पंखे आदि ना ऑनलाइन में बहुत मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप अगर वहाँ से भी थोड़ा कम दाम में खरीदना चाहते तो भी वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो आप जो है धूप से दीपक पंच आरती दीपक से जो है उससे और गंध पुष्प से चामर या पंखे से और जो है प्रणिपात मोर पंखे के साथ जो है आप जो है देकर जो है मतलब मोर पंखी या चामर जो है उसमें से एक देकर जो है आप व्यंजन आरती करते हुए प्रणिपात करते हुए आप अपनी आरती संपूर्ण करेगा। तो जिनके पास जल शंख है तो वो जो है धूप दीप के बाद जलपूर्ण शंख से आरती कर सकते हैं, उसके बाद पुष्प से आरती करेंगे, उसके बाद जो है वो चामड़िया पंखे से जो है वो आरती करेंगे। और जिनके पास नहीं है जिस तरह से मैंने दिखाया है बिल्कुल उसी ऑर्डर में आरती करेगा, आपका आरती जो है ना वो पूर्ण होगा संपूर्ण होगा धूप दीप गंध पुष्प और जो है चामर या मोर पंखी से आरती करते हुए प्रणिपात करना। इस प्रकार से जो है इस क्रम से जो है आप आरती करिएगा दोस्तों। और देखिए मैं एक बात आप लोगों को कह देता हूँ, मैं हर बार कहता हूँ ये विषय जो है जितने आपके पास है जो चीज़ें आपके पास है हमेशा पूजा आदि जो है आपको उसमें ही संपूर्ण करने की एक मानसिकता रखनी चाहिए। हाँ आप अगले साल के लिए जुगाड़ कर सकते, पर इस साल के लिए आपके पास जितने होंगे जैसे होंगे आपको उसमें से ही आप किस तरीके से सुसंपन्न कर पाएंगे अपनी पूजा को हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसके पास तो वो उतने सारे चीज़ें उतने सारे सामान हैं उतने सारे बर्तन हैं उतने सारे सामग्री, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूंगा। ये सोचकर क्या होता है आपकी पूजा करने की भावना आपकी पूजा करने की जो मानसिकता होती है ना वो वहीं पर नष्ट हो जाती है। आपके पास कुछ नहीं है ये किसने कहा, आपके पास भक्ति है। अगर आप जो है भक्ति भाव से माँ को केवल धूप ही दे पाते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। तो भक्ति बहुत जरूरी बात होती है, प्रेम जो है माँ के प्रति अनुराग जो है वो बहुत जरूरी बात होती है।
तो इससे बढ़कर और कोई उपचार और कोई द्रव्य नहीं हो सकता दोस्तों। इन सारी चीजों के सामने जो है ना, सारे उपचार आदि सब कुछ जो है वो फीका पड़ जाता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जो है उपचार की पूजा विधि आदि नहीं करिएगा, हाँ अवश्य करिएगा, आप अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करिएगा, पर अगर आपके पास नहीं है तो उसे लेकर अपने मन में उदासी कभी मत रखिएगा। आप हमेशा ये रखिएगा कि जो है मेरे पास जितना है मुझे उसमें ही जो है माँ की पूजा बहुत अच्छे से बहुत सुंदरता के साथ सुसंपन्न करना है, और जो भी कमियां होगी जितने भी सारे चीजें हमारे मेरे पास नहीं है मैं अपने मन के प्रेम से अपने मन के अनुराग से जो है ना उसको पूर्ण करूंगा। भक्ति से बढ़कर और पूजा नहीं हो सकता, प्रेम से बढ़कर, शुद्ध प्रेम से, आध्यात्मिक प्रेम होता है ये, ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम होता है ना वो आध्यात्मिक प्रेम होता है, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो आप जो है इसी प्रकार से धूप से, दीप से, गंध पुष्प से यानी कि चंदन मिश्रित पुष्प से जो है, और मोर पंखी और प्रणिपात के साथ जो है अपनी आरती सुसंपन्न करेगा। ये आरती जो है आप हर समय कर सकते हैं, मतलब सरस्वती पूजा के कोई भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, भोग हो, पूजा हो, जो कुछ भी हो उसमें आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।